अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो आज हम बनाएंगे मिडल पफ। मैं आपको यही बताऊंगी आज के मिडल पफ कैसे बनाते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी क्रिम्पिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो। सो आज हम बनाएंगे मिडल पफ बिना बैक कॉमिंग किए। सिर्फ मैंने आपको क्रिम्पिंग की वीडियो डाली थी, आप वो देख लें। सिर्फ हमने क्रिम्पिंग किए हुए उतने ही बालों को आप क्रिम्पिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो सिर्फ हम क्रिम्पिंग की हेल्प से हम बनाएंगे मिडल पफ बिना कॉमिंग किए। कुछ भी किए हमें बनाना है मिडल पफ। सो अगर आप बिना बैक कॉमिंग के बनाते हैं ना, तो आप कुछ इस तरीके के टूल यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, आप या तो ये यूज़ कर सकते हैं या फिर ये बन टाइप का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, बस ये लगाते ही हमारा पफ रेडी हो जाएगा। हमने सिर्फ क्रिम्पिंग किया हुआ है, सिर्फ हम कोई भी टूल्स यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिम्पिंग की हेल्प से हम बनाएंगे मिडल पफ। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमने अच्छे से कॉमिंग कर ली है और ये सिर्फ क्रिम्पिंग किया हुआ है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स सेक्शन निकालेंगे। बॉक्स सेक्शन मैंने आपको बताया ही है पहले की वीडियो में, अगर आपने मेरी और पहले की क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ बॉक्स सेक्शन मैंने निकाल लिया है। आपको मैंने बताया ही हुआ है किस तरीके से बॉक्स सेक्शन निकालना है। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ तीन इंच तक का आपको बॉक्स सेक्शन निकालना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ 3 इंच तक का आपको लेना है बॉक्स सेक्शन। एंड देन आपको क्या करना है, मैंने बताया है, अगर आप कोई भी टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बैक कॉमिंग आप नहीं कर रहे तो जैसे आप ये पफ लगा सकते हैं या फिर ये लगा सकते हैं। इसको तो बस ऐसे ही रख देना है और ये चिपक जाता है खुद ही, या फिर देखिए खुद ही खुद हमारी पफ रेडी हो जाता है। पर मैं आज इन किसी का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ क्रिम्पिंग किए हुई है। क्रिम्पिंग से क्या होता है, बहुत अच्छी वॉल्यूम आ जाती है। सो देख ही सकते हैं हेयर्स में कितनी अच्छी तरीके से वॉल्यूम आई हुई है। तो हम इसी से सिर्फ मिडल पफ बनाएंगे। ध्यान से ये वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। सो देखिए हमने बॉक्स सेक्शन निकाल लिया है अच्छे से। अब आपको क्या करना है, देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको अच्छे से ऊपर की साइड कॉम कर रही हूँ। आपको एकदम घुसा के कॉम नहीं करना है, आपको एकदम लाइटली हैंड से आपको कॉम करना है और आपको देखना है आपको किस तरीके का पफ बनाना है। देखिए जैसे मैं आपको दिखाई रही हूँ, आपको पहले अच्छे से देख लेना है कि क्लाइंट पे किस तरीके का पफ जमेगा। देखिए मैंने बॉक्स सेक्शन निकाले थे, मैंने थोड़े से और इस साइड से बाल लिया और उस साइड से भी मैं एक पतली सी लेयर लूंगी। उससे क्या होगा, हमारे सी सेक्शन का पफ बन जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको हेयर्स लेने हैं। देखिए मैंने कैसे उंगली में पकड़ा हुआ है, आपको इस तरीके से ही पकड़ना है। और आप क्या कर सकते हैं, टेलकॉम है, अगर आपको कहीं एकदम बैठे हुए लग रहे हो तो आप टेलकॉम से इस तरीके से बाल को बाहर की साइड खींच सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। देखिए मैं कैसे कॉम कर रही हूँ, आपको ऐसे घुसा के कॉम बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्या इस तरीके से कॉम करना है। दिख रहा होगा मैंने कैसे कॉम को फ्लैट करके मैं कॉम कर रही हूँ, आपको इसी तरीके से कॉम करना है। अगर आपने क्रिम्पिंग किया कुछ भी आप कर रहे हो तो आप इसी तरीके से कॉम करो, क्योंकि वो क्रिम्पिंग ख़राब हो जाएगी अगर आप एकदम ज़ोर से कॉम करोगे तो। देखिए कितना प्यारा सा पफ हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ही ईजी टेक्निक है, कोई भी बना सकता है इसको, बिगनर्स हो या कोई भी हो, इजीली हम बना सकते हैं। देखिए सिर्फ क्रिम्पिंग से इतना वॉल्यूम आ चुका है इस हेयर्स में। देखिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी जो पार्टीशन क्लिप हो गई आप वो लगा के छोड़ दो। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बाल इधर इधर हिल जाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं होगा, आपको बस ऐसे छोड़ देना है। एंड देन आपको क्या करना है, आपको लेनी है कुछ इस तरीके की जिगजैग वाली बॉबी पिन लेनी है आपको। देखिए और आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको लगाना है, देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, आप अच्छे से देखो आपको समझ आएगा। देखिए हमेशा क्या करना है, आपको क्रॉस सेक्शन करना है, हमेशा आपको सीधा नहीं लगाना है, हमेशा आपको याद रखना है क्रॉस सेक्शन करना है। देखिए मैं किस तरीके से उस साइड भी हमें क्रॉस एक्स करके मार्क बनाना है।
एक 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 नहीं, अगर आपको लग रहा है कि एक एक से नहीं होगा, आप दो दो ही लगाएं, क्योंकि फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद बाल नीचे आ जाते हैं, वो बॉबी पिन हिलने लग जाती है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परफेक्टली लगाना है, तो दो दो पिन आप लगा सकते हैं। देखो अब मैंने वो निकाल दिया, कितनी ईजिली हमारा रेडी हो जाता है। अब आई होप आपको इतना समझ आ ही रहा होगा। अब देखिए, मुझे जिधर से भी फ्लैट लग रहा है, मैं इस तरीके से कॉम को ऐसे कर करके उसे उठा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, ये कितनी ईजीली बन के रेडी हो जाता है। देखिए कितना ईजीली हमारा पफ बन के रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हैं, मैं हैंड्स अप मूवमेंट देखिए, तब आपको ना इजी पड़ेगा, क्योंकि देख ही सकते हैं आप कितनी इजीली हमारा पफ बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने आप पीछे से देख ही सकते हैं किस तरीके से मैंने क्रॉस सेक्शन किया है। ये देखिए क्रिम्पिंग की हुई, तो ये बहुत ही पफी से हेयर्स लगते हैं। देखिए आप क्रॉस सेक्शन ही कीजिएगा हमेशा, आप कभी भी ना सीधा मत लगाना, क्योंकि वो बहुत जल्दी हेयर्स को छोड़ देता है और वो नीचे हो जाता है, पफ ख़राब हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए मैं पूरा घुमा घुमा के आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने लाइक शेयर ज़रूर किया होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। देखो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको कॉमिंग कैसे करनी है, हैंड्स एंड दोनों को मूवमेंट्स साथ में करते हुए। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मुझे सपोर्ट करो। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि हमने हमारे चैनल पे हेयर क्लासेस स्टार्ट की है। सो अगर आपने कोई भी हेयर क्लासेस नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखो, बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैं डालती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।